चलिए मैं प्रकाश सर फिर एक बार आप लोग के बीच बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का तात्पर्य होता है प्रजनन। देखिए ये दो शब्द री और प्रोडक्शन से मिलकर बना। ये दो शब्द री एंड प्रोडक्शन से मिलकर बना है। री मतलब होता है अगेन, री मतलब होता है अगेन पुनः, और प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न होना। इसे समान शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी सजीव द्वारा अपने ही जैसे संततियों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। किसी सजीव द्वारा अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। तो मैं यहां टर्म क्या यूज कर रहा हूं? सजीव। क्योंकि रिप्रोडक्शन वो बेसिक फीचर है जो सजीव और निर्जीव के बीच फासला उत्पन्न करता है। सजीव प्रजनन कर सकते और निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकते। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रजनन क्या हो जाएगी? क्योंकि सजीव करता है अतः इसे प्रजनन किसे कहेंगे? प्रजनन एक जैविक परक्रम को कहेंगे, क्योंकि प्रजनन की क्रिया निर्जीव द्वारा नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं प्रजनन क्या है? एक जैविक परक्रम है जिसके द्वारा एक प्रजनन सक्षम जीव अपने ही अनुवांशिक संगठनों वाले नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो प्रजनन क्या है? एक प्रजनन सक्षम जीव अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करता है। अब देखिए यहां पे दो बात ध्यान रखने वाली बात है। अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं मतलब आदमी का बच्चा आदमी होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अनुवांशिक रूप में हूबहू उन्हीं के जैसे होंगे, क्योंकि प्रजनन में बहुत सारी क्रियाओं का समावेश होता है। किसी जीव में एक ही शरीर दो भाग में बढ़ जाते हैं तो उसमें हूबहू अपने जनक के जैसे संतान होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जिसमें दो जनकीय प्रजनन कर सकते हैं या एक जनकीय लैंगिक प्रजनन की भी बात करते हैं तो वह युग्मक बनते हैं। नर युग्मक बनते, मादा युग्मक बनते और दोनों का आपस में निषेचन होता है। जब दोनों मिलते तो दोनों के लक्षण वहां आते हैं। कुछ माता से आता है, कुछ पिता से आता है। इस प्रकार जो नया संतान बनता है उसमें अनुवांशिक संगठनों में अंतर पाए जाते हैं। अनुवांशिक कुछ लक्षणों में अवश्य भिन्नता पाए जाते हैं। तो चलिए ये तो बाद में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रजनन का प्रकार क्या होता है। तो जब भी क्लास राइज करता हूं तो पूछता हूं प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधे तौर पर आप लोग कहते हैं सर प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो फिर मैं आप लोग से क्या पूछ देता हूं कि फिर पार्थिनोजिनेसिस क्या होगा? देखिए इस तरह बताने का यह शेड्यूल नहीं है कि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। जब तक हम किसी चीज को उनके भागों में बांटेंगे तो उनका आधार बनाएंगे। इसी प्रकार प्रजनन को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। यदि हम प्रजनन को फॉर्मेशन ऑफ गेमिट मतलब युग्मक का निर्माण एवं फ्यूजन ऑफ गेमिट मतलब युग्मक
युग्मकों का संयोजन। इन आधारों पर जब हम बढ़ते हैं, इन दो आधारों पर बढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन तीन प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे तीन प्रकार होगा। एक जिसमें युग्मक नहीं बना, युग्मक बना ही नहीं, तो बताइए जब युग्मक नहीं बनेगा तो क्या उनका संयोजन होगा, निषेचन होगा? तो नहीं होगा। यानी ना रहा बांस ना बजी बांसुरी, ना युग्मक बना ना उसका निषेचन हुआ, तो इस जनन को हम लोग अलैंगिक, इसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा कंडीशन कि युग्मक तो बना लेकिन युग्मक का निषेचन नहीं हुआ। युग्मक बना लेकिन युग्मक का निषेचन नहीं हुआ, युग्मक ही अकेले नए संतान को विकसित कर ले, इस जनन को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। यानी पार थेनो जीनेसिस, तब इसे क्या कहते हैं, पार्थेनो जीनेसिस कहते हैं। अब आते हैं तीसरा कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या है, युग्मक भी बना और उसका निषेचन भी हुआ। मतलब युग्मक भी बन रहा है और उसका निषेचन भी हो रहा है, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब हम प्रजनन को युग्मक के निर्माण और युग्मक के संयोजन, इन दो आधारों पर बढ़ते हैं तो प्रजनन तीन प्रकार के होते हैं, अलैंगिक, अनिषेक और लैंगिक। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें ना युग्मक बनता है और ना ही उसका संयोजन होता है। अनिषेक जनन में युग्मक भी बनता है, युग्मक तो बनता है लेकिन उसका निषेचन नहीं होता, अर्थात उसका संयोजन नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन में युग्मक भी बनता है और युग्मक का संयोजन भी होता है। तो इस प्रकार से युग्मक के निर्माण और युग्मक के संयोजन के आधार पर हम प्रजनन को तीन भागों में बांट सकते हैं। अब आते दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरा है निषेचन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर प्रजनन को दो समूहों में बांटेंगे, क्योंकि जब निषेचन है या तो निषेचन नहीं होगा या होगा। यदि निषेचन नहीं हुआ इसे अलैंगिक अलैंगिक, और यदि निषेचन हुआ तो इसे लैंगिक, इसे लैंगिक जनन कहेंगे। यहां पे गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि निषेचन के आधार पर जब बांटते हैं तो दो प्रकार के, अलैंगिक और लैंगिक। लेकिन जब युग्मक के निर्माण और युग्मक संयोजन दोनों को सम्मिलित रूप में बांटते हैं तो इसे तीन प्रकार के, अलैंगिक अनिषेक और लैंगिक जनन में बांटते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है। तो निषेचन का जैसा कि आपको डिफिनेशन पहले भी बताया गया है, निषेचन क्या है, युग्मक का संयोजन है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन, मादा युग्मक का संयोजन ही तो निषेचन है। अब देखिए जब कार्य नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोजन निषेचन है और इस निषेचन के आधार पर क्या हो गया, जनन दो वर्गों में बांटा गया, अलैंगिक और लैंगिक।
तो आखिर फिर अनिषेक जनन कहाँ जाएगा? जब निषेचन को आधार बनाएंगे तो अनिषेक जनन किधर जाएगा? अलैंगिक होगा कि लैंगिक होगा? यहां सीधा सा इसका जवाब है, चूंकि युग्मक का संयोजन अनिषेक जनन में नहीं होता, चूंकि युग्मक का संयोजन अनिषेक जनन में नहीं होता, अर्थात युग्मक का संयोजन नहीं हुआ मतलब निषेचन नहीं हुआ, तो अनिषेक जनन को निषेचन के आधार पर हम लोग अलैंगिक जनन में रखते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं। और लैंगिक जनन वो हो गया जिसमें केवल युग्मक का संयोजन हुआ, निषेचन हुआ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से, कितना इजीली आप लोग रिप्रोडक्शन के टाइप को समझ सकते हैं, रिप्रोडक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। और ये सब टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगा। और फिर मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने से आपको टॉपिक समझ में आई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।